हालेलुया, शालोम एवरीवन। मेरी तरफ से तमाम मसीह टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, हम आपको वेलकम करते हैं अबदी जिंदगी प्रोग्राम में। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अबदी जिंदगी प्रोग्राम में खुदा के बहुत बड़े भेदों को हम रिसीव करते हैं, बहुत सारे भेदों को हम रिसीव करते हैं कि आखिर हमें अबदी जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें किन किन राहों को अख्तियार करना होगा। क्योंकि मेरे अजीजों, इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमें एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो तब हमने आसमान पर जाना है और वहाँ पर हम खुदा के सामने खड़े होंगे। और जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे तो मेरे अजीजों, वो उस टाइम पर जिस जो हमें हिस्सा मिलेगा, जो हमें ज़िंदगी दी जाएगी जीने के लिए, चाहे वो हेल में हो चाहे वो हेवन में हो, मेरे अजीजों, इस बात का ख्याल रखें और इस बात को अपने जहन में रखें। अगर हम फरदौस में जाते हैं, अगर हम जहन्नुम में जाते हैं, जो भी अगर इंसान को कोई ज़िंदगी मिलती है तो वो इटर्नल लाइफ होगी मेरे अजीजों, जिसका मतलब है अबदी ज़िंदगी, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो तब आसमान पर एक नई ज़िंदगी हमारी शुरू होती है, जिसको इटर्नल लाइफ कहा जाता है। जबकि ये जो ज़मीन पर हम ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, ये आरजी ज़िंदगी है हमारी, ये इटर्नल लाइफ नहीं है। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, ये इटर्नल लाइफ का फैसला ज़रूर करेगी, ये जो आरजी ज़िंदगी है हमारी, जो हम इस ज़मीन पर, जिंदों की ज़मीन पर गुजार रहे हैं, ये एक दिन मेरे अजीजों हमारी इटर्नल लाइफ का फैसला करेगी। हमारे अमाल कैसे हैं, हमारा करैक्टर कैसा है, हमारा उठना बैठना क्या हमारा सच में खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग है, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग है। मेरे अजीजों, अगर हमारा करैक्टर, हमारी ज़िंदगी हमारे बाप यसु नासरी की ही मानिद है, हम अगर अपने खुदा के करैक्टर पर चल रहे हैं, करैक्टर का मतलब ये है कि खुदा के कलाम की एक एक बात को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना, अपनी लाइफ में खुदा के कलाम को अप्लाई करना, चलते उठते बैठते खुदा के कलाम पे मेडिटेशन करना, अपनी गुफ्तगू में मेरे अजीजों खुदा के कलाम को बोलना, अपनी सोचों में, अपनी इमेजिनेशन में मेरे अजीजों खुदा के कलाम को ही मेडिटेट करते रहना और खुदा के कलाम की इमेजिनेशन करते रहना मेरे अजीजों, ये हमारा करैक्टर है, ये हमारा करैक्टर होना चाहिए और यही हमारा मेरे अजीजों हमारे लाइफ स्पेंड करने का ये स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम पर पूरी तरह, करैक्टर है ये हमारा करैक्टर होना चाहिए और यही हमारा मेरे अजीजों हमारे लाइफ स्पेंड करने का ये स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम पर पूरी तरह से डिपेंड करेंगे, तो तब जब हमारा फैसला किया जाएगा इस ज़मीनी ज़िंदगी को देखकर, तो मेरे अजीजों हम फिर इटर्नल लाइफ, वो जो फरदौस में है, जिसका खुदा ने हमें देने का वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा और एक टेबल पर बैठकर हम खाना खाएंगे, हालेलुया, तो तब मेरे अजीजों हेवन में हमें वो घर मिलेगा जिसका वादा हमारा बाप यसु नासरी हमसे कर जा चुके हैं कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे रहने के लिए मैं घर बनाऊँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसी तरह से हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा का आखिर मकसद क्या है हमें अबदी ज़िंदगी देने का। हालेलुया। हम जैसा कि मेरे अजीजों देखेंगे, पहला यूहन्ना और उसका सेकंड चैप्टर हम देखेंगे, और उसकी हम 25 वर्स से देखेंगे, और जिसका उसने हमसे वादा किया है वो हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्या कह रहे हैं, खुदा का कलाम कह रहा है कि जिसका उसने हमसे वादा किया है और वो हमेशा की ज़िंदगी है। हमसे खुदा ने किसका वादा किया, हमसे खुदा ने उस ज़िंदगी का वादा कर रखा है जो वो हमें देने को है, और वो हमें क्या देने को है, वो खुदा का कलाम कहता है वो हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी देने का वादा कर रखा है, मतलब जब हमने इस जिंदों की ज़मीन से चले जाना है, आसमान पर हमें वो ज़िंदगी मिलने वाली है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है। इस दुनिया से तो हम कूच कर सकते हैं, रुखसत हो सकते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन आसमान से हम फिर कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो हेल हो चाहे हेवन हो, हम वहाँ से ज़िंदगी भर नहीं निकल सकेंगे और वो मेरे अजीज़ों कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी। हालेलुया।
इसी तरह से मेरे अजीजों हम आगे देखते हैं, इसकी सेकंड वर्स हम देखते हैं। मैंने ये बातें तुम्हें इन उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। हालेलुया, खुदा का कलाम मेरे अजीजों कहता है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए पहले ही लिख कर बता दी हैं कि मेरे तालीम पर चलो, मेरे कलाम पर चलो, ताकि तुम जहन्नम की आग के वारिस ना बनो। तुम इस जमीन पर जो लोग तुम्हें फरेब देते हैं, शैतान तुम्हें, डेवल तुम्हें तरह तरह की बातों में और तरह तरह की परेशानियों में डालकर अगर तुम्हें रॉन्ग डिसीजंस में ले जाकर तुम्हें किसी ना किसी तरीके से भी अगर तुम्हें फ्रेप देने की कोशिश करता है, तो मेरे जन्म की आग के वारिस ना बनो। तुम इस जमीन पर जो लोग तुम्हें फ्रेप देते हैं, शैतान तुम्हें, डेवल तुम्हें तरह तरह की बातों में और तरह तरह की परेशानियों में डालकर अगर तुम्हें रॉन्ग डिसीजंस में ले जाकर तुम्हें किसी ना किसी तरीके से भी अगर तुम्हें फ्रेप देने की कोशिश करता है, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमें बयान कर रहा है कि मैं तुम्हें पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना कलाम तेरे हाथों में ऑलरेडी थमा दिया है ताकि वक्त आने पर तेरे पास तेरा अपना हथियार हो, स्पिरिचुअल वेपन हो खुदा के कलाम में मुकद्दस की सूरत में, और तू लोगों के फ्रेम में ना आने पाए। और जब तू लोगों के फ्रेम में नहीं आएगा, तब अबदी जिंदगी तेरा हिस्सा बनेगी। और जब अबदी जिंदगी तेरा हिस्सा बन जाएगी और तू इटर्नल लाइफ में एंटर कर जाएगा, तो तू उस दोजक की आग से, उस शैतान के घर से जो के हेल में है, उससे तू बच जाएगा। ये हमारे खुदावंद का मकसद है मेरे अजीजों, हमें इटर्नल लाइफ में एंटर करने का, ताकि हम उस शैतान के घर में दाखिल ना हो सके, बल्कि खुदा के बनाए हुए उस घर में दाखिल हो जिसका उसने वादा किया है, जो कहता है कि मैंने तुझे हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने का क्या किया हुआ है, वादा किया है। इसके आगे हम देखेंगे, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है। खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि मैंने तुझे मसा किया है। मेरे अजीजों, हमें किसी इंसान ने नहीं, हमें खुदा ने चुना है, और मसा हमें किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदा का मिलता है। ये खुदा की पावर है, खुदा की पहचान है मेरे अजीजों, ये खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया, ये मसा हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों हमें हमारी राहें दिखाता है, हमें चलना फिरना उठना बैठना खुदा की आवाज़ को सुनने में और खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को, कलाम मुकद्दस को समझने में मेरे अजीजों हमारी हेल्प करता है। हालेलुया, आगे देखें, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। हालेलुया मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने वर्ड ऑफ गॉड में, खुदा कहता है मैंने अपने कलाम मुकद्दस में जो मैंने तुझे दिया है तेरी बहादुरी के लिए, ताकि तू बहादुरी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, दलेरी के साथ, बोल्डनेस के साथ तू अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, और हर एक फ्रेब से, हर एक शैतान की चालाकी से, चाहे वो इंसान की सूरत में आकर इंसानों में से होकर तेरी लाइफ में अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, अटैक्स करने की कोशिश करता है, खुदा कहता है बी अलर्ट। हालेलुया, लेकिन कैसे बी अलर्ट? वो खुदा कह रहा है कि मैंने तेरे हाथ में कलाम मुकद्दस को थमा दिया है, सो बी अलर्ट इन क्राइस्ट। हालेलुया, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ तेरी नॉर्मल लाइफ नहीं है, तू आम नहीं है, तू खास है, तू दुम नहीं है, तू सिर है। हालेलुया, तू नीचा नहीं है बल्कि तू ऊंचा है, तेरा घर पहाड़ पर बसता है। हालेलुया मेरे अजीजों, अबदी जिंदगी वो जिंदगी है जो कभी ना खत्म होगी, हमेशा ये चलती ही रहेगी। और हम इन, खुदा नहीं चाहता कि इंसान जो कि खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है और जिसको खुदा ने अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखा, अपने गले से लगाया, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, उसके खून को बहा दिया उसने ताकि मेरे और आपके गुनाहों को धो सके, इतने सक्रीफाइस के बाद और इतने प्यार के बाद, इतनी मोहब्बत, डीप लव के बाद, अगाप्य लव के बाद, खुदा नहीं चाहता मेरे अजीजों कि वो हमें अपने से जुदा करे। इसलिए वो हमें इटर्नल लाइफ के बारे में बताते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर तू आज मेरी इस आवाज को सुन रहा है, मेरे कलाम को अगर तू सुन रहा है, तो तेरे लिए आज ये मैसेज है कि तू इटर्नल लाइफ को थाम ले और अपने तो अपने रिपेंडस को तू कर ले, रिपेंट कर ले, अपने गुनाहों से रिपेंट कर और इनसे सच्ची तौबा कर और छोड़ दे अपनी ज़िंदगी से, अपने बदन से, अपने स्पिरिट से इन गुनाहों को निकाल दे, क्योंकि मैं तेरे से अनकंडीशनल लव करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू शैतान के घर में जिसका नाम हेल है तू उधर जाए, लेकिन खुदा कहता है हाँ ये ज़रूर मैं चाहता हूँ, जिसका वादा खुदा कहता है मैंने
तुझसे किया कि मैं आसमान पर जाकर घर बनाता हूँ ताकि तू जब इस जमीन से उठाया जाए आसमान पर आए तो तेरे पास एक रहने के लिए घर हो जो मैं खुद बनाऊंगा। हालेलुया। और हम एक टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे और वो वादा जो वादा मैंने तुझसे खुदा कहता किया कि हमेशा की जिंदगी मेरे जीजो 25 वर्ष है और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। वो कह रहा है कि मैंने तुझसे जो वादा किया हमेशा की जिंदगी उसमें मैं तुझे डालूं और वो एक खूबसूरत जिंदगी हो जिसमें ना दर्द हो ना दुख हो ना आंसू हो बल्कि सदा के लिए एक मुस्कान तेरे चेहरे पर रहे और हम मिलकर रह सके वहां पर। हालेलुया मेरे अजीजों। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है, वही एक मसा सच्चा जो हमें खुदावंत की तरफ से मिलता है और झूठा नहीं। और झूठा मसा कौन सा है मेरे अजीजों? वो शैतान के ऊपर जो अनॉइंटिंग है वो झूठी अनॉइंटिंग है। वो है तो खुदा ने दी थी उसे, लेकिन उसने उसका मिसयूज किया, उसने उस अनॉइंटिंग को करप्ट कर दिया। अब वो अनॉइंटिंग जो उसकी है मेरे अजीजों वो हमारे लिए नहीं है। हमें जो खुदावंद अनॉइंटिंग देता है वो अपनी देता है। शैतान ने अपनी अनॉइंटिंग को करप्ट कर दिया और झूठा उसने बना लिया। झूठों का बाप है शैतान, उसका हमारी जिंदगी में कोई अख्तियार नहीं, कोई जगह नहीं। हम उसे जानते नहीं, हम डिनाई करते हैं उससे, उसकी थॉटी से, और अनॉइंटिंग को करप्ट कर दिया और झूठा उसने बना लिया। झूठों का बाप है शैतान, उसका हमारी जिंदगी में कोई अख्तियार नहीं, कोई जगह नहीं। हम उसे जानते नहीं, हम डिनाई करते हैं उससे, उसकी थॉटी से और शैतान के कामों से, लेकिन हम खुदा के कामों को अपनाते हैं, रिसीव करते हैं और खुदावंत की अथॉरिटी को हम लेते हैं, क्योंकि उसने कहा जा संप और बिच्छों को कुचल और शैतान की पूरी ताकत पर गालिब आओ। उसने अख्तियार दिया हमें हमारे बाप ने और हम इस अख्तियार को रिसीव करते हैं, लेकिन शैतान की अथॉरिटी का हम डिनाई करते हैं। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों देखें, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि जैसे मैंने तुझे सिखा दिया अपने मसा के जरिए, अपने कलाम मुकद्दस के जरिए, खुदा कहता है कि तू उसमें कायम रहता है। ये मेरे लिए एक खुशी की बात है और ये तेरे लिए भी एक खुशी की बात है, क्योंकि जब खुदा कहता है तू मेरे मसा में कायम रहता है, जुड़ा रहता है, तो तेरी स्पिरिट मेरी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होती है, हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है और हम एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कि खुदावंत का कलाम फिर से मैं पढ़ूंगी, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। खुदा कहता है जिस तरह से मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, मेरा मसा तुझे सिखा चुका है, तुझे गाइड कर चुका है, तू उसी तरह से मुझ में कायम रह, तू ना दाएं जा ना बाएं जा, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राह है मेरा मसा और मेरा कलाम तुझे गाइड करता है, जस्ट उन्हीं को फॉलो कर और उन्हीं पर ही तू चलता रहे। मेरे अजीज़ो खुदा का कलाम बहुत बड़ा कलाम है। हम खुदा के कलाम को जब सीखते हैं पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ो हम अपनी लाइफ में एक नई स्पीड को देखते हैं मेरे अजीजों, एक नए बिग चेंज को देखते हैं, एक न्यू हम स्पिरिचुअल रैलम में चले जाते हैं मेरे अजीजों, जो कि हेवन से रिलीज होता है हमारी लाइफ में। खुदावंत करता है बड़ी बड़ी चीज़ों को, हम उनको रिसीव करने पाते हैं मेरे अजीजों। खुदा का कलाम जो है वो ताकतवर कलाम है। जब खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम को होता है, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे मेरे अजीजों तभी हम खुदा के उस कलाम उस अबदी जिंदगी जो उसने हमें देने का वादा किया हम जान पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ें, सीखें, सुनें, समझें और उस पर चलने की पूरी कोशिश करें, खुदा से ग्रेस मांगे, क्योंकि खुदा मेरे अजीजों अगर हम अबदी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं और शैतान के घर से हम अवॉइड करते हैं, अगर हम दूर रहते हैं, अगर हम इनकार करते हैं कि हम शैतान के घर में जिसका नाम हेल है हम नहीं जाएंगे, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम कहता है कि मैं सच में तुझे बचा कर रखूंगा। जाते हैं और शैतान के घर से हम अवॉइड करते हैं, अगर हम दूर रहते हैं, अगर हम इनकार करते हैं कि हम शैतान के घर में जिसका नाम हेल है हम नहीं जाएंगे, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम कहता है कि मैं सच में तुझे बचा कर रखूंगा, क्योंकि तू जितना मुझे जानेगा, जितना मुझे पहचानेगा, मैं उतना ही तेरी लाइफ में काम करूंगा। मेरे अजीजों अगर हम इटर्नल लाइफ में एंटर होना चाहते हैं तो हमें खुदा से एक बड़े ग्रेस को मांगना है, वो वाला ग्रेस मेरे अजीजों जो हमें उस काबिल वो उन चीज़ों को हमारी लाइफ में रिलीज करता है, उन चीज़ों को हमारे हाथों में थमा देता है, हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों उस पोजिशंस पर हमें खड़ा कर देता है
जिसके हम काबिल भी नहीं होते। लेकिन मेरे अजीजों, वो ग्रेस जब हमारे ऊपर हेवन से रिलीज होता है तो बड़ी बड़ी वो चीज़ें हमें देता है जिससे हम इटर्नल लाइफ के काबिल नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, खुदा का ग्रेस, खुदा का वो ब्लड जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया है, ये हमें इस काबिल बना देता है कि अपने लहू से धोकर हमें इस काबिल बना देता है, अपने ग्रेस से हमें उस जगह पर इटर्नल लाइफ में ले जाता है मेरे अजीजों, जिसके हम काबिल भी नहीं है। और ये सब क्या है, हम खुदा के ब्लड के बारे में, ब्लड ऑफ जीसस के बारे में हम कब जानेंगे, हम ग्रेस के बारे में कब जानेंगे मेरे अजीजों, हम अनॉइंटिंग के बारे में जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि मैं तुझे मसा करता हूँ और वही मसा तेरी गवाही करेगा, तेरी तुझे लीड करेगा, तेरी रहनुमाई करेगा, मेरा पाक रू तुझे चलना सिखाएगा और वो तेरा सच्चा रहनुमा होगा। ये सब बातें मेरे अजीजों, हम अनॉइंटिंग को, ग्रेस को, और हम होली स्पिरिट के बारे में मेरे अजीजों, हम फेथ के बारे में, हम इन सब चीज़ों के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में, अबदी जिंदगी के बारे में हम कब सीखेंगे मेरे अजीजों? हम तभी सीख सकते हैं अगर हम खुदा के कलाम को पूरा दिल लगा के और पूरी सोचों के साथ और पूरे फोकस के साथ मेरे अजीजों जब हम सुनते हैं, तभी हम मेरे अजीजों खुदा के कलाम को सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो ही हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाते हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं तो मेरे अजीजों हम बिग चेंज अपनी लाइफ में देखते हैं, जो कि बड़े कामों को हमारी लाइफ में पैदा करता है। हालेलुया मेरे अजीजों, आप इटर्नल लाइफ में एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए आप हमेशा खुदा के कलाम पर ध्यान रखें, अपना फोकस रखें, कभी भी खुदा के प्यार से, मोहब्बत से, कलाम से जुदा नहीं हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग मसीही टीवी, हालेलुया, यूएसए कैलिफोर्निया, गॉड ब्लेस यू ऑल।